वही अल्मोड़ा लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने तीसरी बार लगातार बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रदीप टमटा को करीब 2.25 लाख मतों के अंतर से मात दी है। अजय टमटा की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार खुशी मनाई है। कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित सांसद अजय टमटा को अबीर गुलाल लगाया और जमकर डांस किया। आने वाले समय के अंदर हमको और बहुत सारे काम करने हैं। हमको सभी जो सिंगल रोड है उनको डबल रोड में कन्वर्ट करना है। हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं कि हम टनल के माध्यम से भी बहुत सारी दूरी को कम करेंगे। रेलवे के जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जिनको हम पहली बार मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगले 5 साल के अंदर हमारी ट्रेनों का काम शुरू होगा और हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के काम हम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी से ने हमको बहुत प्राथमिकता दी है। हमारे वाइब्रेंट विलेज को प्राथमिकता दी है। बॉर्डर के इस लोकसभा को प्राथमिकता देकर के सभी विकास कार्य किए हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, अंतिम छोर में बैठे ऐसे व्यक्ति की 17 योजनाओं देकर के उसके जीवन के स्तर को सुधारने का काम देश की आज़ादी में पहली बार हुआ है, उसी का परिणाम है। उन सब ने अपना आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, स्वयं मुझे दिया है, प्रदेश नेतृत्व के रूप में पुष्कर धामी जी को दिया है।